بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کو اس لیے دنیا میں بھیجا تاکہ دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو، اور انقلاب یا کرانتی یا ریولیشن، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ حکومتوں کے تختے پلٹ دیے جائیں اور لوگوں سے حکومتوں کو چھین کر اس پر قابض ہوا جائے، بلکہ یہ انقلاب اور کرانتی دراصل دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لیے ہے۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ یہ سب اس لیے ہے تاکہ انقلاب برپا ہو، اور انقلاب کے معنی یہ ہیں کہ دنیا میں انصاف قائم ہو جائے، ہر ایک کو پیدا کرنے والے نے جو حق دیا ہے وہ حق اس کو مل جائے، کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی پر ظلم نہ ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جو دولتیں زمین سے نکالی ہیں اور آسمان سے نازل فرمائی ہیں، یہ دولتیں کسی ایک جماعت یا کسی ایک طبقے کے لیے خاص نہ ہو، بلکہ تمام لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ تقسیم ہو جائے۔ یہ وہ احوال کی تبدیلی ہے اور یہ وہ انقلاب ہے جس کو برپا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو بھیجتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان نبیوں پر کتابوں اور صحیفوں کو نازل کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سب سے پہلے یہ انقلاب ایک نیشنل لیول پر قائم کیا گیا، جس کو قومی انقلاب کہا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے ایک بین الاقوامی اور انٹرنیشنل انقلاب اور کرانتی پیدا کی گئی، جس کی تکمیل آپ کے بعد حضرات خلفائے راشدین کی حکومت کے ذریعے ہوئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں
पूरे जजीरतुल अरब में अमनो अमान कायम हो चुका था। जुल्म नाम की और बदअमनी नाम की कोई चीज कहीं भी मौजूद नहीं थी। लोगों की जान महफूज थी, लोगों का माल महफूज था, लोगों की इज्जतें और उनकी आबरुएं महफूज थीं, और हर एक की जिंदगी बहुत सहूलत के साथ और आसानी के साथ गुजर रही थी। और फिर इस इनकलाब को जब आगे बढ़ाया गया तो उस वक्त दुनिया में जो दो सुपर पावर थे, कैसर और किसरा, मशरिक में किसरा यानी ईरानियों की हुकूमत थी और मशरिक में कैसर की हुकूमत थी, और ये कहना चाहिए कि उस वक्त दुनिया में जितनी आबादी थी तकरीबन उन तमाम पर इन दो हुकूमतों का कंट्रोल था। और ये दोनों हुकूमतें अपनी रियाया के साथ और अपनी पब्लिक के साथ एक गुलाम जैसा और गुलामों से बदतर जानवर जैसा मामला कर रही थी। इंसानों को इंसानों के हुकूक नहीं मिलते थे वहां, उनको गुलामों से ज्यादा बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर होना पड़ता था। उनको दो वक्त की रोटी भी सहूलत से मिल नहीं पाती थी, न उनकी जान महफूज थी, न उनका माल महफूज था, न उनका खानदान महफूज था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए और फिर आपके बाद हजराते खुलफाए राशिदीन के जरिए अल्लाह तबारक व ताला ने इन दोनों हुकूमतों का तख्ता पलट कर दुनिया में एक इनकलाब बरपा कर दिया था। और ऐसा इनकलाब के जहां अमन था, अमान था, अदल था, इंसाफ था, हर साहिबे हक को उसका हक, जीने का हक और कमाने का हक और जिंदगी गुजारने का हक और कायनात की दौलतों से मुतमत्ते और फायदा उठाने का हक आसानी के साथ और सहूलत के साथ मिलने लगा था। तो ये वो इंकलाब है और क्रांति है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए और कुरान के जरिए अल्लाह तबारक व ताला ने कायम फरमाई। और इसी मकसद अजीम के लिए अल्लाह तबारक व ताला दुनिया में नबियों को भेजता है और दुनिया में अपनी किताबों को नाजिल करता है। इन नबियों को और किताबों को भेजने का ये मकसद नहीं होता कि हर एक इंसान इस्लाम कबूल कर ले, हर एक इंसान ईमान वाला बन जाए। ये मकसद है, लेकिन इस मकसद में हर इंसान को समझाने के बाद खुले तौर पर ऑप्शन दिया गया है कि ये हमारा निज़ाम है, ये हमारा प्रोग्राम है, इसमें ये खूबियां हैं, इसके खिलाफ दूसरे निज़ाम में ये खराबियां हैं। अब तुमको इख्तियार है कि तुम चाहो तो इस इस्लाम को कबूल कर लो और इस निज़ाम को अपना कर ईमान वाले बन जाओ, और तुम चाहो तो अपने मन चाहे मजहब पर और धर्म पर कायम रहो। इसीलिए इस्लाम ने कभी भी किसी फर्द को या किसी जमात को, किसी कौम को या किसी कबीले को या किसी हुकूमत को इस्लाम में दाखिल होने पर मजबूर नहीं किया। हाँ, मजबूर इस पर किया कि तुम्हारी तरफ से लोगों पर जुल्म नहीं होना चाहिए,
और ये अल्लाह की जमीन है, यहां अल्लाह का कानून चलेगा। यहां अल्लाह के अलावा इंसानों के अपने बनाए हुए कवानीन के जिसमें इंसाफ नहीं होता और जिसके जरिए हुकूक नहीं मिलते, वो कवानीन और ऐसे जाबते यहां नहीं चलेंगे। इसीलिए जहां जहां भी सहाबा पहुंचे और खुलफाए राशिदीन के दौर में उनकी हुकूमत पहुंची, तो ऐसा नहीं है कि वहां के तमाम लोग इस्लाम में दाखिल हो गए और कोई यहूदी नहीं रहा, कोई नसरानी नहीं रहा, कोई मजूसी नहीं रहा, कोई काफिर नहीं रहा, कोई मुशरिक नहीं रहा, कोई बुद्धिस्ट नहीं रहा, ऐसा नहीं। हुकूमतें कायम हुई और इस्लामी निजाम बरपा हुआ, लेकिन इन्हीं हुकूमतों के मातहत एक बड़ा तबका था कि जो अपने आबाई दीन पर कायम था। यहूदी भी थे वहां, वहां नसरानी भी थे, वहां ईसाई भी थे, वहां मजूसी भी थे, वहां हिंदू भी थे, वहां काफिर भी थे, सनम परस्त भी थे, बुत परस्त भी थे। हर कोई जिसको जो अपना मजहब पसंद हो, उस मजहब पर कायम रहने का इस दुनियावी जाबते के मुताबिक पूरा और खुला हक था। लेकिन उसके साथ ये जरूरी था कि इंसाफ कायम होना चाहिए, जुल्म नहीं होना चाहिए, किसी की जान नाहक तलफ नहीं होना चाहिए, नाहक किसी का माल हड़प नहीं होना चाहिए। ये इंसाफ वाला इनकलाब कायम करने के लिए इस्लाम आया है और अल्लाह तबारक व ताला ने नबियों का सिलसिला और रसूलों का सिलसिला और अपनी किताबों और सहीफों का सिलसिला शुरू फरमाया था। और आज भी दुनिया में अगर ऐसा इनकलाब बरपा हो सकता है तो उसी अल्लाह की किताब की तालीमात के जरिए हो सकता है कि जिस अल्लाह ने अपनी किताब के जरिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके खुलफा के जरिए इनकलाब कायम किया था। और अगर हम दुनिया की हिस्ट्री पढ़ें और तारीख का मुताला करें तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जब तक दुनिया में ये कुरान वाला निजाम कायम रहा और जब तक कुरान की हिदायत और तालीमात पर अमल होता रहा तो वहां तक दुनिया में इंसाफ कायम रहा। और जब कभी भी कुरान की तालीमात से इन्हिराफ किया गया, चाहे वो इन्हिराफ करने वाले मुसलमान हो, चाहे वो इन्हिराफ करने वाले गैर मुस्लिम हो, तो फिर वहां दुनिया से अदल खत्म हुआ है, इंसाफ खत्म हुआ है, अमन खत्म हुआ है और बे इत्मीनानी और बेचैनी और बद अमनी और नाइंसाफी और जुल्म और सरकशी वाला निजाम कायम हुआ है। अब हमें मुख्तसर तौर पर यह समझना चाहिए कि आखिर वो क्या बुनियादी तालीमात थी जिसके जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ये इनकलाब बरपा किया था और एक इंसाफ वाला निजाम कायम किया था। जाहिर है कि ये बयक वक्त नहीं हो गया, यक लख्त नहीं हो गया, बल्कि तदरीजी तौर पर स्टेप बाय स्टेप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए दुनिया में ये इनकलाब बरपा हुआ है। उसके लिए सबसे पहले एक जाती जिंदगी में और एक पर्सनल लाइफ में और इनफिरादी जिंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकलाब पैदा किया।
और जब जाती जिंदगी में, इनफिरादी जिंदगी में और अपनी पर्सनल लाइफ में इनकलाब पैदा हुआ, तो फिर उसी जमात ने दुनिया में वो इनकलाब पैदा किया है। अब वो जाती और इनफिरादी और पर्सनल लाइफ में इनकलाब पैदा करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ हिदायत दी गई थी। अगर हम कुरान मजीद को पढ़ते हैं और कुरान मजीद के नुजूल से अगर किसी कदर हम वाकिफ हैं, तो हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए कि इब्तिदाई सूरत सूरह अलक है, जिसकी 5 आयतें नाजिल हुई थी और उसके बाद दूसरे और तीसरे नंबर पर अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से 2 सूरतें नाजिल हुई, एक सूरह मुद्दसिर है और एक सूरह मुज़म्मिल है। ये दूसरे और तीसरे नंबर पर नाजिल होने वाली सूरतें हैं और इन दोनों सूरतों में दरअसल अल्लाह की तरफ से एक इनकलाब का प्रोग्राम उम्मत को पेश किया गया है। ये दुनिया में इनकलाब पैदा करने के लिए ये कह सकते हैं कि एक तैयारी करने का तरीका इस दो सूरतों के अंदर अल्लाह की तरफ से बयान किया गया है। मुख्तसर तौर पर हम उसको समझें कि वो क्या हिदायत हैं कि जिनके जरिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपने सहाबा की इनफिरादी जिंदगी में इनकलाब पैदा किया और फिर उनकी इनफिरादी जिंदगी में जब ये इनकलाब पैदा हुआ और एक जमात तैयार हो गई, तो फिर उस जमात के जरिए अल्लाह की तरफ से पूरी दुनिया में वो इनकलाब बरपा किया गया। उनमें सबसे पहली चीज तो ईमान है। जाहिर है कि ईमान के बगैर कोई काम अपना नतीजा न दुनिया में कोई खातिर खा दिखला सकता है और न आखिरत के एतबार से कोई काम नतीजा खैज हो सकता है। ईमान दरअसल एक इंसानी जिंदगी का नसबुल ऐन है। ईमान इंसान की जिंदगी का रुख मुतायन करता है और ईमान दरअसल इंसान की मंजिले मकसूद का तायुन करता है कि वो कैसी जिंदगी गुजारना चाहता है। तो ईमान जो एक नसबुल ऐन है, जो एक मंजिले मकसूद का तायुन है, उसके बाद अल्लाह की तरफ से जो प्रोग्राम पेश किया गया है सूरह मुद्दसिर में और सूरह मुज़म्मिल में उसका बयान है। दोनों सूरतों में उसका बयान है। जो बातें सूरह मुद्दसिर में इजमालन आई है, तो सूरह मुज़म्मिल में उसकी तफसील आई है। और जो बातें सूरह मुज़म्मिल में इजमालन आई हैं, तो सूरह मुद्दसिर में उसकी डिटेल और उसकी तफसील आई है। तो इन दोनों सूरतों पर इसी नुक्ते नजर को सामने रखकर हमें गौर करने की जरूरत है कि वो क्या शेड्यूल है, वो क्या लाहे अमल है कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन दो सूरतों के जरिए पेश किया गया था और उसके जरिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने मुखातबीन के अंदर एक इनकलाबी नौईयत पैदा की और उनके हाल में तब्दीली की और फिर उनके जरिए दुनिया में इनकलाब बरपा हुआ। उनमें सबसे पहली हिदायत है वरब्बक फकब्बिर, अपने रब की बड़ाई बयान कीजिए। कहने को तो ये बहुत मुख्तसर जुमला है और अगर कोई चाहे तो उसका तर्जमा ये भी कर सकता है कि अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद करो।
लेकिन जाहिर है कि अल्लाह अकबर के नारे के जरिए कुछ नहीं हो सकता। वरब्बक फकब्बिर, अपने रब की बड़ाई बयान कीजिए, यानी आपकी तुम्हारी जबान पर अल्लाह की बड़ाई के कलिमात होना चाहिए, तुम्हारे अमल से अल्लाह की बड़ाई का इजहार होना चाहिए और तुम्हारे दिल में हर अमल के वक्त और हर कदम को उठाते हुए अल्लाह की बड़ाई का इस्तेहजार होना चाहिए। अल्लाह की बड़ाई का क्या माना है? इंसान जब अपने किसी बड़े के सामने होता है, अगर वो उसको बड़ा समझता भी हो, मसलन एक फरमाबरदार बेटा अपने माँ बाप के सामने होता है, कोई अच्छा शागिर्द अपने उस्ताद के सामने होता है, कोई मुरीद अपने शेख के सामने होता है, या किसी को भी वो अपना बड़ा समझता है, जब इंसान उसके सामने होता है तो उसके दिल में उसकी अजमत, उसकी अकीदत और उसकी मोहब्बत होती है। और ये अकीदत और एहतराम और अजमत और मोहब्बत उसके दिल में ये जज्बा पैदा करती है कि इनकी तरफ से मुझे जो हुक्म दिया जाएगा मैं उस हुक्म को पूरा करने में अपनी सआदत समझूंगा। मेरे लिए अपने इस मकाम पर रहते हुए ये दुरुस्त नहीं है कि मेरे बड़े की तरफ से मुझको कोई हुक्म दिया जाए मैं उस हुक्म को पूरा ना करूं। ये फितरी तौर पर इंसान के दिल में अपने बड़ों की बड़ाई का ये एहसास और जज्बा होता है कि बड़ों की बड़ाई का एहसास ये है कि बड़ों से उसके दिल में मोहब्बत हो, बड़ों से उसके दिल में अकीदत हो, बड़ों का उसके दिल में एहतराम हो। और ये अकीदत, ये मोहब्बत, ये अजमत और एहतराम उसके दिल को अपील करे और उसका दिल ये कहे कि इस बड़े की तरफ से मुझे कोई हुक्म मिलेगा तो मेरे लिए उस हुक्म को ठुकरा देना, मेरे लिए उस हुक्म की खिलाफ वर्जी करना, ये किसी भी तरह दुरुस्त नहीं होगा। तो ये है अल्लाह की बड़ाई के एहसास का मतलब कि इंसान तमाम लोगों की बड़ाई के मुकाबले में अल्लाह की बड़ाई को तरजीह दे, इन तमाम बड़ों की बड़ाई अल्लाह की बड़ाई और उसकी अजमत और उसकी किबरियाई के ताबे बना दे। यानी सबसे ज्यादा मोहब्बत और अकीदत, सबसे ज्यादा एहतराम का जज्बा और सबसे ज्यादा किसी के हुक्म को पूरा करने का जज्बा, जिसमें इंसान अपनी सआदत समझे, अपनी खुशबख्ती और नेकबख्ती समझे, वो अल्लाह के लिए होना चाहिए। और इसका एक तकाजा ये है कि इंसान अपने तमाम मामलात में अल्लाह की जात पर एतमाद करे। अगर वसाइल ना हो तब भी अल्लाह की जात पर एतमाद करे, और अगर वसाइल हैं और वो उन वसाइल को इख्तियार कर सकता है तो उन वसाइल को अपनाने और इख्तियार करने के बाद भी वो अल्लाह की जात पर एतमाद करे। यह व रब्बक फकब्बिर, और इसी की कुछ तफसील अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से सूरे मुज़म्मिल की इस आयत में की गई कि व तबत्तल इलैही तब्तीला, कि सब चीजों को छोड़कर अल्लाह की तरफ माइल हो जाइए। इसका यह मतलब नहीं है कि दुनिया को छोड़ दो, इसका यह मतलब ये नहीं है कि मालो दौलत जमा ना करो, इसका यह मतलब नहीं है कि तुम कारोबार ना करो, बल्कि इसका जो मतलब है, असल जो मतलब है, वो ये है कि तुम्हारी तमाम तर तवज्जो और तुम्हारी उम्मीदों का मरकज और तुम्हारा मुकम्मल एतमाद वो इन असबाब पर नहीं होना चाहिए बल्कि अल्लाह की जात पर होना चाहिए।
जैसे एक इंसान के पास कुछ भी ना हो और कोई भी सहारा ना हो और वो बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ हो, तो जिस तरह उस वक्त उसका एतमाद और उसका भरोसा अल्लाह की जात पर होता है, तो ऐसे ही किसी इंसान के पास तमाम वसाइल मौजूद हों, अपनी जरूरतों को तमाम पूरा करने के तमाम सामान मौजूद हों, ताकत और इज्जत हासिल करने के तमाम असबाब उसके पास मौजूद हों, उस वक्त भी उसकी नजर इन असबाब पर न जाए, बल्कि उस वक्त भी उसका पूरा एतमाद और उसका पूरा भरोसा अल्लाह की जात पर होना चाहिए। ये उसकी मुख्तसर तशरीह है, वरना इसी पर पूरा घंटा बयान किया जा सकता है कि अल्लाह की बड़ाई का क्या मतलब। तो सबसे पहली हिदायत दी गई कि वरब्बका फकब्बिर, दूसरी हिदायत दी गई वसियाबका फतहिर, तहारत हासिल करो। अब तहारत हासिल करने का तो एक आम मफहूम है कि तुम गंदे ना रहो, तुम्हारे बदन पर मेल कुचेल ना रहना चाहिए, तुम्हारे बदन से पसीने की बदबू ना आना चाहिए, पेशाब पाखाना करने के बाद तुमको इस्तिंजा करना चाहिए, रोजाना गुस्ल करने का अहतमाम करना चाहिए, तुमको उससे आगे तुमको बावजू रहना चाहिए, उससे आगे तुमको बेगुस्ल नहीं रहना चाहिए। ये जाहिरी तहारत और पाकिजगी ये भी वसियाबा का फताहिर में दाखिल है। लेकिन अरब में, अरब का एक मुहावरा है कि वो सियाब और कपड़े और लिबास बोलकर इंसान के किरदार को और इंसान के अखलाक को और उसके आमाल को मुराद लेते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि जाहिरी तहारत भी हासिल कीजिए और तुम्हारे अखलाक और तुम्हारे किरदार और तुम्हारे आमाल भी पाकीजा होना चाहिए। मुख्तसर तशरीह कर रहा हूं। तीसरी हिदायत दी गई वर्रुज्ज़ फहजुर, के गंदगी को छोड़ दीजिए। इससे मुराद है अकीदे की गंदगी, इससे मुराद है इंसान की सोच की गंदगी, इससे मुराद है इंसान की फिक्र की गंदगी, उसकी तमन्नाओं की गंदगी, उसकी उमंगों की गंदगी, कि उसका अकीदा, उसका नजरिया, उसकी सोच, उसकी फिक्र, उसकी तमन्ना और उसकी उम्मीदें पाकीजा होना चाहिए, उसमें नफसानी गर्ज शामिल ना होना चाहिए, अपना मफाद वाबस्ता ना होना चाहिए, उसमें खालिस और खालिस अल्लाह की रजा हो और लोगों की खैरख्वाही मकसूद हो। और उसके बाद हिदायत दी गई वला तमनुन तकसिर, कि लोगों के साथ तुम्हारा सुलूक हमदर्दी वाला होना चाहिए, खैरख्वाही वाला होना चाहिए। अगर तुम किसी को कुछ दो, किसी को उसका हक दो, तो तुम्हारे दिल में ये ख्याल भी ना आना चाहिए कि ये पलट कर मुझे उसका कोई फायदा पहुंचाएगा, मैं इसलिए इस पर एहसान कर रहा हूं कि कल मैं इससे अपना काम बना सकूंगा और अपना काम ले सकूंगा। ये इंसान की अदालत के और उसके अदल के जज्बे के और उसके इंसाफ के खिलाफ। ये बुनियादी हिदायत देते हुए अब इन चीजों को पैदा करने के लिए सूरह मुज़म्मिल में दो बातें बयान की गई। एक बयान की गई कुमिल लैल इल्ला कलीला, निस्फहू अविन कुस्मिनहू कलीला, औजिद अलैही वरत्तिलिल कुरान तरतीला। दो हिदायतें, एक तो ये कि रातों को उठकर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने का एहतमाम कीजिए, जब तक रातों की नींद कुर्बान नहीं की जाएगी और अपने नफ्स को मुजाहदे में नहीं डाला जाएगा और तायुश की जिंदगी से और ख्वाहिशात की जिंदगी से जब तक अपने आप को निकाला नहीं जाएगा, वहां तक इन तमाम चीजों की हकीकत पैदा नहीं हो सकती। और दूसरी हिदायत दी गई कुरान मजीद की तिलावत कीजिए, और तिलावत महज अल्फाज की तिलावत नहीं, गौर व फिक्र के साथ तिलावत कीजिए,
तदब्बुर और तफक्कुर के साथ तिलावत कीजिए तो तुम्हें समझ में आएगा कि अल्लाह क्या निज़ाम दे रहा है और अल्लाह क्या प्रोग्राम पेश करना चाहता है। तो ये वो हिदायात हैं जो सूरह मुज़म्मिल में और सूरह मुद्दस्सिर में अल्लाह की तरफ से इंसानों को दुनिया में इनकलाब बरपा करने की तैयारी के लिए दी गई। जब तक अफराद की जिंदगी में और जब तक अपनी पर्सनल लाइफ में ये उमूर और ये सिफात और ये अखलाक और ये अकाइद पैदा नहीं हो जाते, वहां तक हमारे जरिए या किसी भी कौम के जरिए दुनिया में इंकलाब बरपा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हमें कुरान से सही हिदायत लेकर उसको अपनी अमली जिंदगी में लाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।